तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। और लगातार तीसरा चरण रणभीषण में आप तक ताजे आंकड़े पहुंचा रहे हैं और इसी बीच इलेक्शन ब्रेकिंग सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में सुबह 11 बजे तक के आंकड़े एक बार फिर से आपको बता दें, 26.12% वोटिंग उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई। संभल में सबसे अधिक 29.55% मतदान, तो बरेली में सबसे कम 23.60% हुई है वोटिंग। आगरा में 25.87% मतदान सुबह 11 बजे तक हुआ था। ये आंकड़े 11 बजे तक हैं। अब तक कुछ ही देर में ताजा आंकड़े आप तक पहुंचाएंगे। आंवला में 25% तक करीब मतदान हुआ, वहीं बदायूं में 26% तक मतदान दर्ज किया गया। एटा में 27% मतदान, फतेहपुर सीकरी में 27% मतदान, फिरोजाबाद में करीब 24%, तो वहीं हाथरस में 26.05% मतदान अभी तक दर्ज किया गया है। फिरोजाबाद में करीब 24.42% मतदान, वहीं मैनपुरी में 25.13%। तो ये तमाम आंकड़े एक बार फिर से आपको बता दें, 11 बजे तक ये आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो करीब 26% तक वोटिंग उत्तर प्रदेश में हुई है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, मौसम की तपिश भी बढ़ती जा रही है, ऐसे में देखना ये होगा कि शाम 5 बजे 6 बजे तक, यानी कि 3 बजे के बाद एक बार फिर से जब मतदाता घर से बाहर निकलना शुरू करेंगे तो किस तरह का प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। उम्मीद ये की जा रही थी कि पिछले 2 चरणों के मुकाबले प्रतिशत बढ़ सकता है। और ये 6 तस्वीरें आपको एक बार फिर से हम दिखा दें। तमाम दिग्गज आज वोट डालने के लिए अलग अलग पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। विष्णुदेव साय मध्य प्रदेश में सीएम, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय अपना वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल भी आज अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी ने अपना वोट कास्ट किया और तमाम दिग्गज लगातार जनता से भी वोट कास्ट करने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार ने नारायण राणे ने भी अपना वोट कास्ट किया है। इसके अलावा कांग्रेस नेता भी अलग अलग बूथों पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपना वोट कास्ट किया, जनता से अपील की। तो ये तस्वीरें आप अलग अलग राज्यों से तमाम दिग्गज आज जिस तरह से वोट डालने के लिए पहुंचे थे, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लोकशाही में चुनाव ये बहुत बड़ा पर्व होता है। अपने को जो संविधान में मत देने का अधिकार मिला है उसका स्वयं पालन करना बहुत आवश्यक है। मैं सभी गुजरात और देशवासी भाई बहनों को, युवा मित्रों को, बहनों को, युवा लड़की को, सभी को आग्रह करूंगा कि अपने जो मताधिकार दिया है उसका अच्छी तरह पालन करना चाहिए। दूसरा कुछ भी काम हो उसमें मत देने को अग्रिमता देकर अपना मत देना चाहिए, जो देश की प्रगति के लिए होता है। इसलिए जरूर सब मतदान कीजिए। सभी बिजनेसमैन, गरीब तबके के लोग भी सभी मिलके इस बार हम कांग्रेस को जिताएंगे। लास्ट टाइम हमारे से गलती हो गई, ये पश्चाताप भी वो कर रहे हैं और पश्चाताप करके उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार हम जरूर लाएंगे और भारी बहुमत से चुन के देंगे, ये सबका कहना है। आज तीसरे चरण के लिए मतदान है। मतदान केंद्र में आकर परिवार के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मतदान किया है। ये विकसित भारत के लिए लोगों में भारी उत्साह है। लंबी लंबी लाइनें लगी है, सवेरे से लोग आगे निकल कर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये उत्साह सरकार के पक्ष में है, सरकार के समर्थन में है। प्रो इनकम्बेंसी स्पष्ट रूप से दिख रहा है और इसलिए निश्चित रूप से अब की बार 400 पार होने वाला है। एक सशक्त लोकतंत्र में संविधान को सेंटर रखे, एक पारदर्शक तरह सत्य सामने रख के इलेक्शन होना चाहिए इस देश में। और ये तीसरी चरण का वोटिंग हो रहा है वो शांति से होना चाहिए, यही हमारी मांग है।
तो लगातार तीसरा चरण रणभीषण में जिस तरह के आंकड़े अभी तक सामने आ रहे हैं, ऐसे में किस तरह के आंकड़े आज तीसरे चरण में निकल कर सामने आएंगे, बातचीत करेंगे, क्या अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर जनता वोट करने के लिए निकल रही है। हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा आशीष मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पिंटू तोमर जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, जिस तरह से वोटिंग 11 बजे तक के प्रतिशत सामने आए हैं, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो करीब 26% वोटिंग हुई है, जिसमें संभल में सबसे अधिक और बरेली में सबसे कम वोट पड़े हैं। क्या लगता है आपको, पिछले दो चरणों में जिस तरह का वोटिंग प्रतिशत निकल कर सामने आया था, उत्तर प्रदेश और बिहार की बात की जाए तो बाकी राज्यों के मुकाबले कम वोट प्रतिशत देखने को मिला था, आज तीसरे चरण को लेकर क्या उम्मीद की जा रही है? प्रियंका मिश्रा जी, पहले संशोधन करवा दीजिए, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका मौर्य है जी, माफ कीजिएगा, और मैं अपनी टेक्निकल टीम को अनुरोध करूंगी कि उसे करेक्ट करें जी। हो रही है तो मुझे बोलने में समस्या आएगी, फिर जिसको सही करवाइए तो मैं बोलूं। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट कर आती हूँ, अपनी टेक्निकल टीम से मैं अनुरोध करूंगी ये तमाम खामियों को दूर करें। इसी बीच आशीष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी आशीष जी, वोट प्रतिशत को लेकर खासतौर से बात की जाए तो 11 बजे तक के जो आंकड़े निकल कर सामने आए बहुत संतोषजनक नहीं है। हालांकि 11 बजे तक के आंकड़े हैं, इसके बाद अभी ताज़ा आंकड़े निकल कर सामने आएंगे तो पिक्चर और क्लियर हो पाएगी, लेकिन क्या लग रहा है आपको? प्रियंका जी, देखिए, तीसरे चरण का चुनाव है और जिस प्रकार से पहले चरण और दूसरे चरण में गति से मतदान हुआ है, निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। देश की जनता को ये लोकतंत्र में एक मौका मिलता है जब वो अपने द्वारा एक सरकार को चुन सके, तो निश्चित तौर पर उनको इस समय घर के बाहर निकलना चाहिए और मतदान करना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं जनता से अपील करूंगा जो घरों से बाहर निकले और मतदान करने के लिए जाए। और इसी के साथ में एक चीज मैं और कहूंगा कि पुलिस प्रशासन के लोगों को प्रताड़ित करने की जगह पे उनको घरों से निकाल के उनका सहयोग करके मतदान करवाएं, क्योंकि बहुत सी जगह से ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग प्रभाव बना के डाल के किसी क्षेत्र में किसी लोगों को मतदान करने से रोकते हैं, जिससे भी आंकड़े गड़बड़ होते हैं। और ये पहले और दूसरे चरण के चुनाव में प्रियंका जी आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से देश की जनता को देखने को मिला है। तो देखिए, पारदर्शिता जरूरी है, ये जांच चुनाव आयोग को करना है, रिटर्निंग ऑफिसर जो वहां पे बैठे हुए हैं और जो अधिकारी बैठे हैं वो सभी लोग, और जो लोकल एजेंट्स को बैठाया जाता है, एजेंट्स वहां के निजी क्षेत्र ही होते हैं, उनके लिए आसानी से पहचान करना जरूरी होता है। तो वो अपने ऑब्जेक्शन को या समर्थन को वहां पे बैठे अधिकारी के सामने कर सकते हैं। तो प्रशासन को थोड़ा इसमें लापरवाही कम बरतनी चाहिए, जनता से अपील करनी चाहिए मतदान करें, क्योंकि वो उनके लिए जरूरी है। जी बिल्कुल, डॉक्टर प्रियंका अपनी बात रखिए अब आप। देखिए, ये जो 2024 का चुनाव है और आज जो मतदान हो रहा है, ये समृद्ध, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत के लिए हो रहा है। जनता बहुत जागरूक है, लेकिन ये भी हम नहीं नेग्लेक्ट कर सकते कि मौसम बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा धूप है, इस वजह से भी थोड़ी सी वोटिंग परसेंटेज निरंतर देखा जा रहा है कि कम हो रही है कंपैरेटिवली। लेकिन फिर भी, क्योंकि ये जो मतदान है ये लोगों के विकास के लिए है, देश के विकास के लिए है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलना चाहिए और अपना मत जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये जो एक एक मत है लोगों का, ये ही देश को आगे ले करके जाएगा। और एक मुझे आवाज ही बहुत इको कर रही है, मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपके आपके पास में आती हूँ। पिंटू तोमर जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी बने हुए हैं। पिंटू तोमर जी, इससे से मत प्रतिशत को लेकर चिंता तो जाहिर की जा रही थी, देखना ये होगा कि आज तीसरे चरण के आंकड़े किस तरह से निकल कर सामने आते हैं, लगातार अपील भी की जा रही है। लेकिन उसी बीच में अलग अलग जगहों से, खासतौर से संभल की बात की जाए और इससे पहले चरण में मुरादाबाद और आज कासगंज से भी खबरें जिस तरह से निकल कर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता या कहीं कहीं पर पुलिस प्रशासन पर, बीएलओ पर भी आरोप लगा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि मत करने के लिए, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अगर मतदाता बाहर निकल रहा है और उसे रोका जा रहा है, तो उससे बेहतर है कि आप इन्फॉर्मेशन देकर उसे क्लियर करें कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? देखिए,
सुबह 1 बजे तक जो उत्तर प्रदेश के 3 सीटों जो उत्तर प्रदेश सभा चली है, फैजाबाद, आगरा, फतेहपुरी की बहुत अच्छी वोटिंग प्रतिशत है, 40% तक मतदान वहाँ हो चुका है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि प्रथम चरण और दूसरे चरण के बाद सबक लिया गया है, वोटिंग प्रतिशत इस बार ऐसी उम्मीद है कि जब मतदान खत्म होगा 4 बजे तो प्रथम चरण और दूसरे चरण से ज्यादा मतदान होगा। और ये तो लोकतंत्र का परिचय है, क्योंकि 2019 में हमने देखा था कि प्रथम चरण का जो मतदान था और 7वें चरण तक जो हुआ था वो लगातार गिरा था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि 3रे चरण में मतदान जो है वो जागरूक हो रहे हैं मतदाता, घर से निकल रहे, वोट कर रहे हैं। दूसरी बात आरोप देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के संभल में या कासगंज की आप बात कर रहे हैं, वहाँ विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहा है। इसी तरह से आरोप भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी सरकार से लगाती है, विपक्ष आरोप लगाएगा। लेकिन ये जमाना जो है वो इंटरनेट का है, सोशल मीडिया का है, इलेक्शन कमीशन के अंडर में चुनाव होते हैं और हर तरह से जो मॉनिटरिंग करता है वो इलेक्शन कमीशन करता है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, सोशल मीडिया पे ऐड से शिकायत की जा सकती है और उसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन लेता है। सही भी किसी भी प्रदेश की बात हो, मैं केवल सपा या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो विपक्ष होता है वो इस तरह से आरोप लगाता है। बंगाल में लगातार हमें हिंसा देखने को मिलती है चुनाव के दौरान या त्योहारों के दौरान, तो वहाँ भी विपक्ष इस तरह के आरोप लगाता है। कोई भी अगर किसी को शिकायत है तो इलेक्शन कमीशन की साइट से जाकर या हेल्पलाइन नंबर पर जाकर इस बारे में शिकायत कर सकता है। जिलाधिकारी जो होते हैं हर जिले के, इस समय इलेक्शन अधिकारी भी होते हैं, उनको भी मेल के जरिए या फोन नंबर के जरिए शिकायत की जा सकती है। लेकिन इस चरण का जो फिलहाल प्रतिशत आ रहा है देखने को मिल रहा है वो बेहद स्वस्थ एक परिचय है और मतदाता जो है वो बाहर निकल रहा है। लेकिन गर्मी है, कहीं की कटाई एक बहुत बड़ा वजह है, क्योंकि अलर्ट जारी किया जा रहा है कहीं दोबारा से बारिश हो नहीं। लेकिन पिंटू तोमर जी, 11 बजे तक 26%, इसे कैसे देखते हैं आप उत्तर प्रदेश में? जी बेहतर है, मैं कह रहा हूँ कि 1 बजे तक की जो हमारे पास नए आंकड़े आए हैं जो 40% 3 सीटों पे हो गया है, बाकी जगह की भी तकरीबन ऐसा है। तो उम्मीद ये है कि जो पिछली 2 चरणों में 55% हुआ था उससे ऊपर इस बार 3 चरण में मतदान जा रहा है। ये 19 से भी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि 19 में प्रथम चरण से लेकर लगातार 7वें चरण तक मतदान का प्रतिशत घटा था, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि प्रथम और दूसरे चरण में जो मतदान प्रतिशत आया था 3रे चरण में उससे ज्यादा। हमारे साथ आशीष जी भी लगातार, आशीष जी क्या लग रहा है आपको? पिंटू जी कह रहे हैं कि 2019 के मुकाबले बेहतर है, अभी तक 2 चरणों में जब मतदान हुआ था तो राजनीतिक पंडित कहीं ना कहीं जिस तरह का आकलन करते हैं उनका मानना था कि जब सब कुछ स्टेबल रहता है, कुछ बदलने वाला नहीं होता है, तो एक ही तरह का सुस्त मतदान देखने को मिलता है। लेकिन अब जिस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, क्या लग रहा है, आपकी उम्मीदें भी बढ़ रही हैं? नहीं देखिए, अगर हम पहले से प्रियंका जी आपकी तुलना करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि लोग पहले इतने सजग नहीं थे, लोगों के पास इतने टेक्नोलॉजी से इंफॉर्मेशन नहीं मिलते थे। जैसे जैसे देश आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि बहुत सारे अपडेट ऐसे होते हैं कि जब हम एक मोबाइल से सर्च करके निकाल लेते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे उदासीनता के पीछे ऐसी बातें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो बाहर बाहर से कैंडिडेट लाए जाते हैं, इम्पोर्टेड कैंडिडेट जो लेके आए जाते हैं, वो इम्पोर्टेड कैंडिडेट पर मतलब एक एक तरह से आप देख लीजिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं दोनों की तरफ से कहना चाहूंगा जी, कि नेताओं के प्रति जनता में विश्वास कम हुआ है। क्योंकि जो नेता देश को चलाता है, जो नेता देश के लिए रूल्स बनाता है, इन्हीं को रूल्स तोड़ते हुए देखा गया है। आपने देखा होगा मेरठ में अरुण गोविल जी को लेकर चुनाव लड़ाया गया, चुनाव का मतदान खत्म होते ही अरुण गोविल जी अपना पैकअप किए और मुंबई की तरफ रवाना हो गए। इसके पहले वो जाके अपने भाषणों में क्या कहा करते थे, मैं मेरठ में पला हूँ, मेरठ में बड़ा हुआ हूँ, यहाँ मेरी पैदाइश है, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। तो अब उनको तो उसी दिन शाम को देखने को मिला। तो आप इससे आगे वाले दिनों में क्या समझती है कि जनता किस नजरिए से देश के नेताओं को देखना चाहेगी? उनको उनके लोग चाहिए। और अभी देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे सहयोगी दल इंडिया अलायंस के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं को जिस प्रकार से पुलिस पूछताछ के लिए आज वोटिंग हो रही है, उनको कल रात से कोई किसी को रात को 10 बजे उठाया गया, किसी को 12 बजे उठाया गया, अरे भैया आज शाम को 6 बजे के बाद उठा लेते। या फिर कोई जांच आपको करनी थी, उस व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए थी, तो आप अधिकारी वहीं थे,
आपका ही राज है वहां पे, आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले ही कर लिए होते, चुनाव के दिन क्यों? तो ये सब जो चीजें हैं ना कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। और देखिए, अगर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी को, आपको मैं इंदिरा गांधी जी का और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जमाना याद दिलाता हूँ। जब उन्होंने जनता के लिए काम किया था तो ऐसे भी समय आए हैं कि उनको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उनके कैंडिडेट चुन के आए हैं। लेकिन आज देखिए, प्रधानमंत्री जी को इतने चक्कर काटने पड़ रहे हैं, इतने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, और चक्कर काटने लगाने के बाद भी वो काम की बात नहीं कर रहे। जब वो आए थे 2014 में, उन्होंने 100 दिन का वादा किया था, 100 दिन के वादे को अब छोड़ के वो 2047 का सपना दिखा रहे हैं। मैं उनके प्रधानमंत्री जी के लंबी उम्र की कामना करता हूँ, स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, लेकिन 2047 की जो कल्पना और बात बता रहे हैं, क्या देश को एक्सप्लेन करने के लिए उस समय प्रधानमंत्री जी मौजूद होंगे? नहीं आशीष जी, आशीष जी वो कल्पना कर रहे हैं, विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि मौजूद रहे योजनाएं। इस पर जवाब डॉक्टर प्रियंका से ले लेती हूँ। डॉक्टर प्रियंका, आप तो आवाज मिल पा रही है, एक और जवाब ले लीजिए, एक जवाब ले लीजिए। 2047 तक की जो सपने दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जब आप 2014 में, ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि आप आगे की भविष्य की बात करना बंद कर दे, नहीं करिए ना। लेकिन आपने जो इतिहास में बातें की है उसमें भी तो बोलिए, भूतकाल को कौन बताएगा? डॉक्टर प्रियंका जवाब दीजिएगा। जो 15 लाख खाते में दे रहे हैं, समझ में आएगा, क्योंकि देश को विकासशील रास्ते पे चल रहा है और विकसित भारत बनाने के लिए 24/7 का टारगेट दिया गया है, वो इन्हें समझ में नहीं आएगा। देखिए मोदी जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, उन्होंने जैसे अपनी टीम बनाई है, जिस तरीके से एक एक कार्यकर्ता जी जान से काम कर रहा है, ये देश विकसित होगा। ये आप लोगों की तरह जिस तरीके से आप लोगों ने राज किया और लोगों को लूटा, वो अब नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये 2024 का जो चुनाव है, ये समृद्ध, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत को बनाने के लिए है। अभी आप चुप हो जाइए, इतनी देर से बोल रहे हैं आप, अब आपके टर्न में, अभी मेरी टर्न है। प्रियंका जी ने मुझे बोलने का मौका दिया है। आशीष जी सुन लीजिएगा, आशीष जी सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, फिर जवाब दे दीजिएगा। आशीष जी, अरे आशीष जी, आपने सवाल किया, सुन तो लीजिए जी। देखिए मैं कह रही हूँ कि ये जो चुनाव है, ये फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट है। अब इनको तकलीफ बहुत ज्यादा है कि 2047 की ये बात कर रहे हैं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दिन रात 24 घंटे 24/7 काम कर रहे हैं 2047 को विकसित भारत बना देने के लिए, क्योंकि विकासशील भारत अभी चल रहा है। अरे बोलने दीजिए ना, क्या है ये, क्या तरीका है ये डिबेट करने का, इसमें चुप कराइए इनको। मैं आपको आपके पिछला वीडियो सुना, अरे जनता के बीच में बोलना चाहिए आपको, जनता के बीच में बोलते हैं, आपकी बात अगर समझ में आती है तो आपको वोट देते और आप लोग सत्ता में आते हैं, क्या आप बीच में बोल रहे हैं? बोलने दीजिए ना, बात रखने दीजिए, क्या आपका तरीका आज की पूछता है? देखिए आशीष गुप्ता जी की बात का मैं जवाब दे रही हूँ। इन्होंने कहा कि लोग जागरूक हो रहे हैं, पहले लोग इतना जागरूक नहीं थे, अब देश आगे बढ़ रहा है। तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता है जो ये मान रहे हैं कि पहले लोग जागरूक नहीं थे और अब देश आगे बढ़ रहा है। कब आगे बढ़ रहा है? जब मोदी जी का कार्यकाल चल रहा है, 10 साल के समय में मोदी जी ने इतना विकास कर दिया है, भारत को डिजिटल इंडिया बनाया है, अब लोगों के अंदर इतनी विकास की सुविधाएं पहुंच रही है और लोग उसका लाभ उठा पा रहे हैं, ये तो खुद कांग्रेस के प्रवक्ता ने माना। अब मैं आपको बता दूं, ये इतना जो बौखलाए हुए हैं, ये बात कर रहे हैं, बाहर से लोग आते हैं, शाम को पैकिंग करके चले जाते हैं, जरा कुर्सी लेके राहुल गांधी राय बरेली से तब पहुंचे, नामांकन वाले दिन पहुंचे। सोनिया गांधी जी 5 साल कितनी बार गई अपने लोकसभा में रायबरेली देखने के लिए, राहुल गांधी जी कितनी बार गए, प्रियंका गांधी जी कितनी बार कैंपेनिंग करी। अरे आप लोग क्या बात करेंगे, बीच में डिबेट मत खराब करिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आते आते योगी मोदी की जोड़ी ने यादव परिवार को और कांग्रेस परिवार को मजबूर कर दिया कि ये सिर्फ अपनी लोकसभा में जाकर के प्रचार करें।
ये सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए परेशान है। राहुल जी रायबरेली के लिए परेशान है, पूरी ताकत जो अपनी है रायबरेली को बचाने के लिए। और वही ये मैनपुरी में और कन्नौज में अखिलेश और डिंपल यादव जी, तो इन लोगों को सिर्फ इतनी पड़ी है कि हमारी सीट कैसे भी बच जाए और हम लोकसभा जो है पार कर जाए। तो ये तो इनका हाल है, तो ये क्या बात करेंगे। ये लोगों को जनता के लिए कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ अपना परिवार बचाना है। 80 सीट में से खाली इनको अगर चिंता है तो रायबरेली की है, मैनपुरी की है, कन्नौज की है। इसके अलावा इन लोगों को कोई सीट दिख नहीं रही है। इतने दिन से प्रचार प्रसार की बात कर रहे हैं कि देखिए इस समय होता था इंदिरा गांधी का, जब उनको प्रचार की जरूरत नहीं करती थी, आज प्रधानमंत्री को क्या प्रचार नहीं। लेकिन डॉक्टर डॉक्टर प्रियंका मौर्य वो ठीक है, डॉक्टर डॉक्टर प्रियंका मौर्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य वो ठीक है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद संबल और कासगंज से जिस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, बीजेपी के नेताओं पर धमकाने का आरोप निकल के सामने आ रहा है, हड़काते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं बीएलओ कहीं पुलिस पर आरोप लग रहा है, वो भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अब सत्ता में इसका मतलब ये तो नहीं कि सत्ता की हवा का पोलिंग स्टेशन पर दिखाएंगे। ये सब विपक्ष के झूठे आरोप है, ये हर तस्वीरें सामने आई है। डॉक्टर प्रियंका डॉक्टर प्रियंका जी तस्वीरें सामने आई है, विपक्ष की बात तो जाने दीजिए। माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर प्रियंका जी, खाली ये बात कह देने से काम नहीं चलेगा, तस्वीरें सामने आई हैं। चुप क्यों नहीं करवा रही है, आप डिबेट करवा रही है। देखिए लगातार बोल रहे हैं, मेरी बात नहीं क्लियर होने दे रहे हैं, अपनी टर्न में भी बोल रहे हैं, मेरी टर्न में भी बोल रहे हैं। एंकर आशीष जी, आशीष जी आपके पास आती हूँ, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगी। जी झूठ बोल रही है, चैनल पे झूठ बोलने के लिए बुलाया जाता है क्या? अरे झूठ बोलने आपको देखिए, आशीष जी आप अपने टर्म में, आप अपने टर्म में उनके झूठ से पर्दाफाश कर दीजिएगा, मैं तो मौका दूंगी। आप लोग गलत चीजें जनता के बीच में परोस रहे हैं और जनता इस बार 4 जून को आप लोगों का हिसाब कर देगी, फिर रोएंगे बैठ करके कि ईवीएम की वजह से हम लोग हार गए। आप लोगों ने काम कभी किया नहीं है। अरे आप कह रहे हैं कि प्रचार प्रसार की बात, आप मुझे बताइए कि कितनी बार आपके पार्टी के नेता जाते हैं प्रचार प्रसार करने। बटन दबाइए, होली और दिवाली में गैस सिलेंडर बुक पाइए, पूछिए ना इन झूठो मक्कारों से। बोलते रहिए आदत ही आप लोगों की, ये जो जितनी आशीष जी अच्छा ठीक है, डॉक्टर प्रियंका आपके पास आती हूँ, डॉक्टर प्रियंका आपके पास में आती हूँ, आपके पास में आती हूँ। आशीष जी अपनी बात रखिएगा, आशीष जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए एंकर महोदय, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिन लोगों को सच सुनने की आदत नहीं है, मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा 56 लाख करोड़ रुपए का कर्जा 205 लाख करोड़ रुपए चले जाए, उसको कहते हैं देश का विकास होना। और चीजें ये टेक्नोलॉजी की मैंने बात की, मैं ये मोहतरमा मैडम से पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछिएगा 1980, 1960, 1970 में कौन सा लैपटॉप और कौन सा एंड्रॉइड चलाती थी। हरित क्रांति देन हमारी कांग्रेस पार्टी की देन है, जिसका गाना ये भी गाई है कुछ दिन पहले, लेकिन अभी कैसा है पता है, वो झूठ की फैक्ट्री में जाने के बाद झूठ ही बोला जाता है इनसे, उसके अलावा इनसे नहीं होता। दुनिया को यह बात पता है, आलू से सोना का भाषण किसी और का नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। ये कहें उत्तर प्रदेश के चुनाव को जब हो रहा था तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, अरे ठीक है आलू से सोने पर बताइए, फिर आप पर भी तो केस चल रहा है ना। गृह मंत्री का फेक वीडियो किसने प्रचार प्रसार में फैलाया, तो उस पर रहने दीजिए, उस मुद्दे पर रहने दीजिए, उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगी मैं। हमने तो मान लिया, अच्छा मैंने बताया, अभी बोलिए डॉक्टर प्रियंका को ये मान के दिखाएंगी आलू से सोना कहने वाला भाषण नरेंद्र मोदी का था, बोल के दिखाइए। अरे भाई ये कहाँ की बात, कहाँ लेकर के जा रहे हैं, मुद्दे की बात ही नहीं होने दे रहे हैं। पता नहीं कौन सी शिक्षा लेकर के आए हुए इस डिबेट में बोलने के लिए, इनको टॉपिक बताया। नहीं प्रियंका जी, आप मेरे सवाल पर जवाब दीजिएगा। आशीष जी आपको मैंने समय दे दिया, मैं आपके पास आती हूँ। प्रियंका जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, लगातार आप मेहनत की बात कर रही हैं, योजनाओं की बात कर रही हैं, लेकिन फिर संबल और कासगंज में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर आप नहीं? देखिए आरोप लग रहे हैं और ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन इसको देखे और इसको सुचारू रूप से ठीक करवाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है, आप मुझे बताइए। ये तो गलत चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता के भाई धमकाते नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तमाम वोटर्स का आधार कार्ड लेकर उन्हें वोट डालने से रोकते हैं, और उस पर किसका रोल होगा आप मुझे बताइए। चुनाव आयोग तो जो कार्रवाई करेगा करेगा, पर बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है क्या? पिंटू तोमर जी क्या कहना है इस पर आपका?
मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा था, मध्य प्रदेश के चुनाव के दरमियान अमित शाह जो देश के गृहमंत्री, आशीष जी आपको मैं समय दूंगी, आशीष जी एक एक करके, एक एक करके, ऐसे बात समझ नहीं आएगी। पिंटू जी देखिए, चुनाव इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट है कि कहीं अगर सीरियस किसी तरह की कोई चीज मिलती है या कोई अपराध होता है वोटिंग के दौरान, तो वो दोबारा से वहाँ वोटिंग करवाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए होते हैं। रही बात किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा आधार कार्ड या वोटर कार्ड देखने की, तो जो अंदर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होते हैं जो जिला प्रशासन द्वारा बनाए जाते हैं, वो उनको देख सकता है, इसमें इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है। तीसरी बार जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो हर चुनाव में लगते हैं और जो विपक्ष पार्टी होती है वो लगाती है, लेकिन जिस तरीके से अभी हमारी जो कांग्रेस के साथी है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हरित क्रांति हमारी देन थी, इसके अलावा बांग्लादेश का उदय जो है वो भी कांग्रेस का देन था। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से उदासीन मतदान में दिख रही है उसके पीछे कारण यही है कि कांग्रेस का जो 7 साल का शासन है उसके नेता अपनी जो काम किया है वो नहीं बता पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो मुलायम सिंह जी या अखिलेश यादव ने जो काम किया है वो नहीं बता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जो है वो 4 बार मुख्यमंत्री रही है, उनके समय भी लैंडमार्क काम हुए वो नहीं बता रहे। सबका जो विपक्ष का है विरोध जो है वो मोदी को लेकर, मोदी के विरोध में कई बार इतने आक्रामक हो जाते हैं कि वो देश पे ही आक्रमण करने लगते हैं। जिस तरीके से अभी पंजाब के मुख्यमंत्री जो थे पूर्व चरणजीत सिंह सुन्नी, उन्होंने जिस तरीके से वायुसेना के कर्मचारियों पे हमला हुआ और उस पर सवाल उठाए, एयर स्ट्राइक पर अरविंद केजरीवाल सवाल उठा चुके हैं। देखिए, आप पार्टी का विरोध करें कोई दिक्कत नहीं, आप नेता का विरोध करें कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठाया जाता है, चंडीगढ़ का फैसला आता है तो वो अच्छा फैसला है, गुजरात का फैसला आता है तो अच्छा फैसला है, राम मंदिर का फैसला आता है तो उस पर सवाल उठा लेते हैं विपक्षी लोग। इनको इस चीज से जरूर बचना चाहिए, किसी ना किसी को इनको भरोसा करना पड़ेगा। अभी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उंगली पे नाचता है, अगर ऐसा होता तो तेलंगाना में क्या कांग्रेस की सरकार बन जाती, कर्नाटक में क्या कांग्रेस की सरकार बन जाती। विरोध करने का एक स्तर होना चाहिए, उसी आधार से विरोध होना चाहिए। जी आशीष जी, अब अपनी बात पूरी करें आप। मिश्रा को बोलते रहने की, देखिए ये किसी और को बोलने का मौका ही नहीं देंगे, इनको म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को सब ये बस यही दिखता है कि संसद भवन में तो म्यूटी करते थे आप लोग ना, और इसी वजह से अभी क्या इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं, अभी 4 जून का रिजल्ट आने से कहेंगे कि ईवीएम में भी गड़बड़ी है, उसका रोना शुरू कर देंगे ये लोग। तो इन लोगों के पास सिर्फ रोने के लिए ही है, काम करने में विश्वास नहीं रखते, जनता के बीच जाने का विश्वास नहीं रखते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में अच्छा, लेकिन इन्होंने ये चीज मान जरूर ली कि पिछले वर्षों में अब देश विकास कर रहा है और लोग अंधकार में झोंक दिया था। मैं तो यही कहूंगी कि बीजेपी के पास पक्का रोडमैप था विकास का, और यही मैं मोदी जी गारंटी, जिससे विपक्ष पूरी तरह से डरा और घबराया और बौखलाया। ठीक है डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका ठीक है। आशीष, आशीष जी अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। पिंटू तोमर जी ने यहाँ पर जो 2-4 बातें कही, उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे चुनाव के दौरान मोदी पर और उनकी सरकार पर तो आप हमलावर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी आपने हरित क्रांति की बात बताई है और जिस तरह से आपके कार्यकाल में जो काम हुआ है, अगर उस पर पूरे चुनाव में मेहनत की होती तो शायद नतीजे और आपके फेवर में आते। एक बात बताऊं मैं आपको, देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहते हो, उन्होंने विदेशों से, आपको पता है ना लाल गेहूं मंगा के अपने देश की जनता को भूखा नहीं सोने दिया था, ये बताने वाली चीज है। अरे ये हमारा कर्म था, ये हमारा धर्म था, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदारी थी, ये हमने जनता के ऊपर, देश की जनता के ऊपर कोई मेहरबानी एहसान नहीं किया, ये हमारी जवाबदेही थी। अगर हम राजनीति कर रहे हैं और राजनेता हैं तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र का, हमारे एरिया का, हमारे देश का न कोई व्यक्ति भूखा सोएगा, न कोई व्यक्ति दवा के बिना जान देगा, न किसी व्यक्ति के पैसे के लिए पढ़ाई रुकेगी। शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, सुरक्षा देना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। अगर हमें सब कुछ दे ही रहे थे पिछले 65 सालों में, तो जनता को जरूरत क्या पड़ी सरकार चेंज करने की? इसे जरा पूछिए, अगर जनता इनसे परेशान ना होती जनता को 30 लाख बच्चों को नौकरी क्यों नहीं दिया?
वो हम कह रहे हैं हम आएंगे तो 30 लाख सरकारी पद जो खाली पड़े हैं उसको भरने का काम करेंगे। हर मंच पे हम कह रहे हैं हर परिवार की गरीब महिला को कुछ भी कर लो, बातें तो कर ले, कुछ भी कर लो, क्योंकि पूरी तो होने नहीं देगी ये जनता। आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ चुकी है आपकी मंशा है सिर्फ धोखा देना, फैक्ट्री चलाना, आशीष मिश्रा जी आप ये तमाम बातें कह रहे हैं लेकिन इसके साथ आप ये भी कह रहे हैं कि स्त्री धन का आकलन करेंगे। पूछिए इसे पेपर लीक अब भी हुआ वापस, हमने कहा कि उसके ऊपर हम कानून बनाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को आप जाके देख लीजिए, सोना चोरी हो जाएगा, गहना चोरी हो जाएगा, हिंदू है मुस्लिम है। चलिए ठीक है आशीष जी, समय मेरे पास नहीं है, बयान तो आपकी पार्टी की तरफ से ही आए हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, डॉक्टर प्रियंका, आशीष जी, पिंटू तोमर जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से लगातार तो ये तस्वीरें एक बार फिर से आप देख पा रहे हैं, मतदान करते हुए उद्योगपति गौतम अडानी की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। पहली बार आपने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाई तो कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभा रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन, क्या समझ के यूथ के नाते, क्या समझ के, क्या सोच के, आपके दिमाग में क्या चल रहा था वोटिंग करते टाइम? फ्यूचर में जो भी होने वाला है वो हमारे जो है उन पे ही डिपेंड करता है, जिनको हम वोट देते हैं उन पे डिपेंड करता है कि हमारा फ्यूचर, हमारा करियर कैसा होगा, तो मैंने उस अकॉर्डिंग चूज करा है। हम चाहते हैं कि सभी मतदान करें और अपने लोकतंत्र के इस पावन पर्व पे सभी शामिल हों और अपना जो भी बात रखना है वो आप अपने सांसद से और उसके माध्यम से केंद्र सरकार में आप बता सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी लोगों को मतदान करना चाहिए, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, कितना भी लगे, लेकिन मतदान करना बहुत ही जरूरी है। देश की स्थिति, परिस्थिति सभी को मद्देनज़र रखते हुए जो आज हमारी देश की स्थिति है उसको देखते हुए हमको मतदान का चुनाव करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे अन्य अदर पार्टी रहे। पार्टी एक अलग जगह है लेकिन जो हम लोग की समस्या, जो हम लोग की परिस्थिति है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इस वोट का मान रखते हैं और वोट डालेंगे। लोकतंत्र का महापर्व था, सभी को मतदान करना चाहिए क्योंकि अगर हम मतदान नहीं करते